हेलो किसान भाइयों, एक बार फिर से आप सभी का किसान बंधु चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि आप अपनी ग्राम पंचायत के एक जागरूक नागरिक कैसे बन सकते हैं और कैसे अपनी पंचायत की पूरी खबर रख सकते हैं। तो यह वीडियो बनाने का हमारा लक्ष्य है कि हर ग्राम पंचायत का हर नागरिक जागरूक होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि उसकी पंचायत में क्या चल रहा है। तो आपको इस ऐप के विषय में भी बताएंगे और इस ऐप से क्या क्या जानकारी प्राप्त की जा सकती है इसके विषय में भी बताएंगे आपको। यह जो स्क्रीन पर ऐप दिख रहा है, ये पंचायत दर्पण नाम का ऐप है और इसमें मध्य प्रदेश, पूरे मध्य प्रदेश में किसी भी ग्राम पंचायत की कोई भी जानकारी निकाल कर देख सकता है किसी भी ग्राम पंचायत का सदस्य। तो इसको सबसे पहले डाउनलोड करने के लिए आपको या तो प्ले स्टोर पर जाना पड़ेगा या फिर आप गूगल से, क्रोम से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि इसमें आप क्या क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये मेरी ग्राम पंचायत है और इसमें मैं देख सकता हूँ कि हमारी ग्राम पंचायत के पदाधिकारी जो भी हैं, जैसे सरपंच हो गया, सचिव हो गया, GRS हो गया, तो उसकी जानकारी नॉर्मल आपको स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगी। और इसके बावजूद आपकी ग्राम पंचायत में अभी क्या क्या कार्य कर चल रहे हैं उसके विषय में भी आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और इसके बावजूद जो भी कार्य हो चुके हैं उसकी लागत कितनी हुई है उसकी जानकारी भी आपको इस ऐप के ज़रिए चल जाएगी। और एक एक करके आप देख सकते हैं, जैसे आप ग्राम पंचायत का भी डाटा निकाल कर देख सकते हैं कि आपके ग्राम पंचायत में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं और अभी क्या क्या कार्य पूर्ण हो चुके हैं। और इसके बाद आप जनपद पंचायत के भी कार्य देख सकते हैं कि जनपद पंचायत में कौन कौन से कार्य हो चुके हैं। और इसके बाद आप अपनी जिला पंचायत के भी कार्य देख सकते हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी निकाल सकते हैं। यह ऐप कुल मिलाकर जागरूकता के लिए बनाया गया है, जिससे कि हर नागरिक को हर प्रकार की जानकारी हो कि उसके ग्राम पंचायत में अभी क्या कार्य चल रहा है और कौन सा कार्य प्रगति पर है। जैसे इसमें जो दिख रहा है, ये जिला सीओ जिला पंचायत की जानकारी है, जिससे कि आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आपकी जिला पंचायत के कार्यालय में और वहाँ के पदाधिकारियों से बात करके आप अपनी समस्या का समाधान भी करवा सकते हैं। और ये जो दिख रहा है, ये दूरी किलोमीटर, इससे पता चल जाता है कि आप किस पंचायत के पास में हैं और आपके 2 या 4 या 10 किलोमीटर के बीच में कौन कौन सी पंचायत और है। कुल मिला के ये लोकेशन ट्रैकर का भी काम करता है। और इसके बावजूद जो भी आपकी, मतलब जैसे लाइव जो भी कार्य अभी चल रहा है, मतलब आपकी पंचायत में कौन कौन सा कार्य कार्यरत है, जैसे हमारी पंचायत के बताएंगे हम कि अभी हमारी पंचायत में कौन कौन सा कार्य चल रहा है। इसके बाद नवीन कार्य की स्वीकृति है और कार्यों की फ़ोटो भी दिखाई जाती है। इसमें ग्राम सभा बैठक का भी बताया जाता है कि आपकी ग्राम सभा में कौन कौन सा कार्य कार्यरत है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि मैंने जो अभी स्क्रीन पर निकाला, ये पंचायतों में, मतलब जनपद पंचायत की जितनी भी पंचायत हैं उसमें क्या क्या नए नए स्वीकृति हुई है। जैसे अभी ये दिख रहा है, जनपद पंचायत जाबरा, जनपद पंचायत सोकल, जनपद पंचायत धनौरा आदि, मतलब इनमें क्या क्या कार्य चल रहे हैं। तो हम आपको अपनी पंचायत से स्टार्ट करेंगे कि हमारी पंचायत में क्या क्या कार्य चल रहे हैं और हमारे पंचायत के जो भी अधिकारी लोग हैं उनका भी मोबाइल नंबर और पद भी पता चल जाएगा इससे कि विकास रत कौन कौन से, जैसे CC सड़क का हो गया, स्कूल भवन का हो गया। ये अभी अलर्ट नहीं किया गया है, इसमें अपडेट नहीं है, शायद कुछ प्रॉब्लम है। तो इस ऐप के ज़रिए आप पता लगा सकते हैं कि अपनी पंचायत में कौन कौन से कार्य चल रहे हैं। कुछ फीडिंग की समस्या होती है इसमें, लेकिन आपको जो भी जानकारी मिलेगी बिल्कुल एक्यूरेट जानकारी मिलेगी। और अभी ये हाल ही में जो स्वीकृत किए गए हैं कार्य, लाइव जो चल रहे हैं, उनकी डेट भी बताई गई है। और अभी आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या स्वीकृति हुई है और इसमें जगह के साथ में कार्य और कितनी तारीख, मतलब कितना पेमेंट, सब कुछ बताया जाता है। और दूसरा हो गया अपने जनप्रतिनिधि, मतलब अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि कौन है, जो जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के जनप्रतिनिधि के विषय में बताया गया है कि आप पता कर सकते हैं कि आप कौन से वार्ड में
कोई कौन है, मतलब कौन पदाधिकारी है, उसका नाम क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, तो आप ये नॉर्मल जानकारी ग्राम के सदस्य होते हुए प्राप्त कर सकते हैं और जागरूक बन सकते हैं। क्योंकि सदस्य जब तक जागरूक नहीं बनेगा तब तक आपकी पंचायत का कुछ भी कार्य नहीं हो सकता। अगर आप जागरूक हैं तो आपकी पंचायत में पूरा कार्य होगा। तो अभी ये बताया गया है ग्राम पंचायत द्वारा हाल ही में जारी किए गए ई भुगतान, मतलब जो भुगतान किए जाते हैं पंचायत द्वारा जिस भी व्यक्ति या फिर व्यक्ति विशेष से जो भी सामान खरीदा जाता है उसकी बिल बुक बना के अपलोड की जाती है इस पंचायत दर्पण में। और ये अभी पंचायत दर्पण जो है 3.0 वर्जन चल रहा है, इसका एक वर्जन और बढ़ेगा, तो इसमें आप पूरी जानकारी पता करके अपने ग्राम पंचायत के एक जागरूक नागरिक बन सकते हैं। और जो भी मतलब गलत है तो उसे भी आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं कि ये यहाँ से गलत है, ये हमारी ग्राम पंचायत का अभी क्वारंटाइन पॉइंट बनाया गया है और ये जो हमारी पंचायत में कार्य हुए हैं। तो इसी प्रकार की जानकारी अगर हर किसी सदस्य को होगी तो वह कहीं से ना कहीं से अपनी पंचायत के कोई ना कोई कार्य को करा सकता है और जागरूक बन सकता है। तो इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारी, मैं किसानी से रिलेटेड विषय के साथ साथ ऐसे ही मतलब जो ज़रूरत की जानकारी है उसको भी इस चैनल पे लाता रहूँगा। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारा सपोर्ट कीजिएगा जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही जानकारी लाते रहें। और भी बहुत सारी योजना है जिसका आप पता लगा सकते हैं, और अगर वह जानकारी आपको योजनाएं कहां से पता लगेंगी तो उसके विषय में अगर जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम वह वीडियो भी लाएंगे आपको जिस भी विषय में आपका जानकारी चाहिए तो वह हम आपको बताएंगे, कमेंट करके बोलिएगा। आप जो देख सकते हैं इस कॉल कर रहा हूँ मैं और उसमें ये ऑप्शन आ रहे हैं,